बचपन से हमारे हक की हर चीज तुम्हारे हिस्से में हुई है। अपनों का प्यार, हमारी खुशियाँ, हमारे सपने, सब कुछ। मगर अब और नहीं, तकदीर ने जारून को हमारे नाम लिखा है। सीरियल सूफियाना प्यार मेरा में कायनात की काया पलट की झलक तो हम आपको दिखा ही चुके हैं। जारून के इश्क का जुनून कायनात पर इस कदर है कि कायनात जारून को हासिल करने के लिए किसी भी हद से गुजर जाने के लिए तैयार है। और आज एक बार फिर कायनात नई साजिश को अंजाम दे रही है। बुरके के पीछे अपना चेहरा छिपाकर कायनात एक शख्स के पास पहुंची है और उसे पैसे देती है। सवाल ये है कि कायनात को ऐसा कौन सा काम आ पड़ा है जिसे वो इस तरह पूरा करना चाहती है। चलिए इस सवाल का जवाब कायनात से ही जानते हैं। कायनात उसका जो अभी आउट ऑफ यू नो ऑल दीज थिंग्स जो उसकी लाइफ में हो रही है, अभी सडनली कुछ सिचुएशन आती है जिसकी वजह से वो चाहती है कि वहाँ पर मियाँ जान ना हो। अब मियाँ जान को कैसे वो रोके, तो किसी बंदे को कहती है कि प्लीज़ उन्हें गायब कर दो और हम जब कहेंगे तो उसे उन्हें वापस मतलब यू नो छोड़ देना टाइप्स। तो या शी इज़ डूइंग ऑल दीज थिंग्स और हाँ ऑब्वियसली बहुत वियर्ड है यू नो। भाई कायनात ने तो नहीं बताया, लेकिन हम आपको बता दें कि कायनात मियाँ जान को जारून की वजह से किडनैप करवाना चाहती है। जैसा कि यूमी और टीवी में आप देख ही चुके हैं कि नीलम ने सल्तनत का एक वीडियो बना लिया है जिसमें सल्तनत जारून के लिए अपने इश्क का इजहार कर रही है। नीलम और जारून वही वीडियो मियाँ जान को दिखाने वाले हैं और कायनात बस यही नहीं चाहती, इसलिए कायनात ने एक बार फिर खतरनाक रुख अख्तियार कर लिया है। मियाँ जान को किडनैप करवाने का प्लान बना लिया है, यानी कि कायनात की दुश्मनों की फेहरिस्त में अब मियाँ जान का नाम भी शामिल हो गया है। क्यों, सही कहा ना हमने कायनात? हम इसके पहले भी सीन कर चुके हैं जिसमें अपने अब्बू से बातें करती है और उनसे अपनी सारी बातें शेयर करती है और उन्हें बहुत मिस करती है। सो आई थिंक दैट्स द रीजन वो सब कुछ उनसे ही बातें करते करते करती रहती है। वैसे कहीं ना कहीं कायनात को अपनी गलतियों का एहसास भी है, तभी तो देखिए तन्हाई में कायनात अपने सारे गुनाह अपने अब्बू के सामने कबूल कर रही है। अब्बू की तस्वीरों के सामने कायनात कबूल करती है कि वो ये सब जारून के इश्क को पाने के लिए कर रही है। नहीं 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 हथखड़ी की वजह से नहीं हो रहा है, बट शायद वो उनसे मोहब्बत तो करती है, बट वो चीज़ उसके दिल में हमेशा रहेगी कि उन्होंने उसका साथ नहीं दिया। बट देन लेट्स सी वो क्या करती है। कायनात के सिर पर इश्क का फितूर कुछ इस कदर चढ़ा है कि वो सही और गलत का अंदाजा भी नहीं लगा पा रही है। अब देखना ये है कि कायनात वक्त रहते अपनी गलतियों को समझ जाती हैं या फिर कायनात का ये जुनूनी इश्क कोई नया रंग दिखाएगा। मुंबई से नवीन सिंह भारद्वाज की रिपोर्ट, E24।